इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उमंग ऐप के बारे में, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज दे रही हैं उसके बारे में आपको इस ऐप में मिल जाएगा। साथ ही जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं या कह लीजिए योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में सभी जानकारी या पूरी डिटेल्स इस ऐप के जरिए आप पा सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर आप उमंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अब मैं आपको उमंग ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे वैसे ही ये ऐप आपसे लैंग्वेज या भाषा चुनने को बोलेगा। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेलेक्टेड है, आप चाहे तो हिंदी या दूसरी कोई भी आपकी जो भाषा है वो चुनकर नीचे आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट पर टैप कर दीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट पर टैप कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पर टैप करेंगे आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखाएगा, जैसे लॉग इन करने के लिए कह रहा है यहाँ पर टैप करिए, ठीक है, इस तरह कुछ नोटिफिकेशन दिखाएगा आपको। और यहाँ पर इसके होम स्क्रीन में देखिए दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, पहला है फ्लैगशिप स्कीम्स, दूसरा है ऑल सर्विसेज। तो मैं आपको एक एक करके इन सेक्शंस का ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू देने से पहले सबसे पहले मैं लॉगिन कैसे करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं इस ऐप में मैं बता देता हूं आपको। टॉप राइट कॉर्नर पर देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क के बाजू में एक अकाउंट का साइन है, इस पर टैप कर दीजिए। बॉटम से देखिए आपको लॉगिन टू उमंग आ रहा है, तो आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है उमंग ऐप में तो रजिस्टर पर टैप कर दीजिए। यहाँ आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करना होगा और नेक्स्ट पर जैसे ही टैप करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई होने के बाद आपको एम पिन सेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एम पिन सेट करेंगे तो आपको वो एक बार फिर से लॉग इन करने कहेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डालकर या ओटीपी से लॉग इन हो सकते हैं। अब मैं आप बैक ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो लॉग इन कर लेता हूँ, मैं अपना एम पिन ऐड कर देता हूँ और लॉग इन कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर फेसबुक गूगल और ट्विटर का यूज कर भी लॉग इन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि अपना अकाउंट सिक्योर करने के लिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस सिक्योरिटी क्वेश्चन आप दे सकते हैं और यहाँ पर आप आस्क मी लेटर पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर आपको कैसे यूज करना है ये बता रहा है कि सर्च करने के लिए आप यहाँ पर टैप कर दीजिए। फिल्टर और सॉर्ट करने के लिए सर्विसेज को यहाँ बॉटम पर आप फिल्टर का आइकन है यहाँ पर टैप करना होगा। इसी तरह आपको कुछ नोटिफिकेशन देता जाएगा, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ऐप चलाने में आसानी हो। अब देखिए जैसे ही मैंने लॉग इन किया यहाँ मेन्यूज आ गए हैं, जिसमें पहला होम है, दूसरा फ्लैगशिप स्कीम्स है, तीसरा फेवरेट्स है, चौथा ऑल सर्विसेज है, पांचवा स्टेट है। मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ। तो होम पर हर सर्विसेज कैटेगराइज कर दी गई है, तो आपको जो भी यूज करना है यहाँ पर आपको मिलता है तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ फेवरेट पर ले चलता हूँ जो कि तीसरा टैब है। तो इस टैब का क्या यूज है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ होम पर देख रहे हैं बहुत सारी सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज के टॉप राइट कॉर्नर पर एक हार्ट दिख रहा होगा आपको, इस पर टैप कर देंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही चेंज हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा कि वो फलाना सर्विसेज फेवरेट्स में ऐड हो गई। जैसे फेवरेट पर टैप करेंगे तो देखिए आयुष्मान भारत और भारत गैस मैंने फेवरेट किया हुआ है तो ये फेवरेट में ऐड हो गई है। तो फेवरेट्स का यूज ये होता है कि जो भी स्कीम आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप उनको फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए ताकि आपका समय खराब ना हो उनको ढूंढने में। तो अब मैं आपको फ्लैगशिप स्कीम्स पर ले चलता हूँ। तो देखिए जितनी भी सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितनी भी योजनाएं यहाँ से जानकारी पा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जानकारी पा सकते हैं। तो देखिए किसी भी योजना की जानकारी पाने के लिए उस पर टैप कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप टैप करेंगे उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, देखिए पहला स्कीम डिटेल्स है, स्कीम डिटेल्स सबसे पहले सेलेक्टेड है तो पूरी स्कीम की डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो लैंग्वेज जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हिंदी कर लीजिएगा। आप यहाँ पर रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं उस योजना से जुड़ी, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आप यहाँ से देख सकते हैं कि उससे संबंधित जो जो सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं तो सारे सवाल और उनके जवाब यहाँ पर पहले से इन्होंने दे रखा है। अब बैक चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप में लैंग्वेज चेंज कैसे करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर तीन हॉरिजेंटल बार हैं, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर सेटिंग्स पर जाइए, यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन है लैंग्वेज, इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश सेलेक्टेड है। आपको अगर हिंदी सेलेक्ट करना है तो हिंदी पर टैप कर दीजिए, ओके कर दीजिए तो लैंग्वेज हिंदी में सेलेक्ट हो जाएगी और सब कुछ हिंदी में आ जाएगा। वापस लैंग्वेज स्विच कर लेता हूं मैं ताकि मुझे आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला मेन्यू है ऑल सर्विसेज,
यहाँ पर ऑल सर्विसेज में आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्टेड है। ऑल का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी सेवाएं दे रही हैं जनता को उनसे संबंधित सारी सेवाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जैसे आधार कार्ड, AICTE, AKPS, भारत बिल पे, भारत गैस, एम किसान, CBSE, छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी जितनी भी सेवाएं चल रही हैं, सर्विसेज चल रही हैं यहाँ पर, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जितनी भी सेवाएं चल रही हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों की आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप सिर्फ सेंट्रल की सेवाएं देखना चाहते हो, केंद्र सरकार जो सेवा दे रही है, तो आप सेंट्रल पर टैप कर दीजिए तो यहाँ पर आपको सारी सेवाएं मिल जाएंगी। अगर आपको मान लीजिए आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराना है या अप्लाई करना है तो आधार कार्ड पर टैप कर दीजिए, यहाँ पर देखिए इस पर आप टैप कर देंगे, आपसे ये डिजी लॉकर में लॉग इन करने बोलेगा और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो मांगेगा। इस तरह आप हर एक सर्विसेज का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ इस ऐप के बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की, 500 वेबसाइट में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इस ऐप के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो जो सेवाएं दे रखी हैं वो जानने के लिए स्टेट पर टैप कर दीजिए। देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्टेड है, टैप कर दीजिए। जैसे मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मैं मध्य प्रदेश पर टैप कर देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी सेवाएं जो भी हैं आप यहां से देख सकते हैं, जैसे कि MPBSE, MPE नगर पालिका, MPE कॉप, MP लैंड रिकॉर्ड, MP MSME, इस तरह जितनी भी सेवाएं हैं राज्यों से संबंधित आप यहां से चेंज कर कर देख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने जो जानकारी दी है उमंग ऐप के बारे में आपको समझ में आई होगी। किसी भी सवाल के लिए मुझे कमेंट करके पूछिए, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।